दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग जो है वो बैक करते हुए नजर आ रहे हैं दो खिलाड़ियों को, पहले ऋषभ पंत और दूसरे हैं विराट कोहली। जहां तक कोहली की बात है तो उनको लेकर उनका ये कहना है कि इंडिया में ना विराट कोहली को एक्सक्लूड करने का मौका ढूंढा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कपिल कि इसके पीछे अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि विराट कोहली एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे बहुत ज्यादा हाई होप्स रहती है और कहीं पर भी ऊंच नीच होती है उनकी परफॉर्मेंस में तो उनको कंसिडर ना करने के बहाने ढूंढने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 की अगर हम बात करें तो 15 मैचेस खेल के 741 रन उन्होंने जड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी किसी के पास ऐसा मौका है कि विराट कोहली को एक्सक्लूड करने के बारे में सोचे। बिल्कुल, स्ट्राइकनेट की अगर बात हो तो वहां पर भी कोहली जो है वो सुनील गावस्कर हो या फिर हर्षा भोगले हो, सबको जो है वो चुप कराते हुए नजर आते हैं। जहां तक कोहली की बात है तो रिकी पोंटिंग ये कहते हैं कि अगर मुझे टीम चुननी हो तो मैं सबसे पहले कोहली को चुनूंगा और जिस तरीके का ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट रहता है वो कोहली जैसे खिलाड़ियों को ही टीम में जगह देते हैं। और यही जो फर्क है कि ऑस्ट्रेलिया अब आईसीसी की ट्रॉफीज में अगर हम देखें तो उनके कैबिनेट में हर ट्रॉफी एक से ज्यादा बार है। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ही खैर इतनी स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विराट कोहली की बात करें तो एक बार उनके T20 स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं। कुल मिला के 117 मैचेस खेले हैं, रन रहे हैं 4337, बेस्ट रहा है 122 का, एवरेज रहा है 51, स्ट्राइक रेट है 138 और सिक्सेस है 170। बिल्कुल विवेका, अगर हम इस आईपीएल में देखें तो कुछ ही ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो 700 रन बनाए, संजू सैमसन के पास 500 से ज्यादा रन है, ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो उन्होंने 446 रन बनाए। तो ये दो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम जायसवाल की बात करें तो वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। पोंटिंग का मानना है कि विराट कोहली को रोहित शर्मा के संग ओपन करना चाहिए और इससे कई फायदे होंगे, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं उन्हें टीम इंडिया में आसानी से शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल, जैसा आपने अभी बताया था कपिल कि ये जो प्लेयर्स हैं उनके रन और विराट कोहली के रन क्या बोलते हैं, उस हिसाब से विराट कोहली का जो मानना है कि ओपनिंग में विराट माफ कीजिएगा रिकी पोंटिंग का जो मानना है कि विराट कोहली को और रोहित शर्मा को साथ में खड़ा करिए ओपनिंग के लिए, वो बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों ही अगर साथ में आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रन बनने से कोई रोक सकता है। रिकी पोंटिंग कहते हैं दे, यहाँ पे सिलेक्टर्स की वो बात करें, हैव स्टिल गॉट अ डिसीजन टू मेक ऑन द ओपनिंग पेयर बिकॉज यशस्वी जायसवाल इज इन दैट स्क्वाड एंड वन थिंग दे हैवंट गॉट अ लॉट इन देयर टीम इज लेफ्ट हैंड बैटर्स। बिल्कुल, और अगर हम बात करें पे अगर जो रिकी पोंटिंग कह रहे हैं वैसा अगर रोहित शर्मा सोचते हैं ओपन करने हैं कोहली के संग तो फिर आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा बैटर मिल जाएगा, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर नजर आएंगे। और सूर्य कुमार यादव वो खिलाड़ी हैं जो अकेले ही पूरे मैच की जो सूरत है वो बदल सकते हैं। उसके बाद आपको ऋषभ पंत देखने को मिल सकते हैं, संजू सैमसन भी मिल सकते हैं। तो जो डिबेट चल रही थी कि किसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि संजू जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें बाहर रखना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन रिकी पोंटिंग का जो मानना है वो काफी उल्टा है युवराज सिंह की स्टेटमेंट से। उनका मानना है कि दूसरे नंबर पे विराट कोहली को खिलाइए, लेकिन युवराज सिंह का मानना था कि दूसरे नंबर पे जायसवाल को रखिए, तीसरे नंबर पे ले जाइए विराट कोहली को। अब यहाँ पे क्या होता है ये तो हमें वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन रिकी पोंटिंग कहते हैं ही कैन प्ले हिज रोल एट द टॉप एंड इफ यू हैव गॉट द राइट गाइज अराउंड हिम स्कोरिंग लाइक सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा इज गोइंग टू हैव अ हाई स्ट्राइक रेट, दीज अदर गाइज कैन गो एंड देयर एंड प्ले देयर वे। बिल्कुल, विराट और रोहित का ये लास्ट वर्ल्ड कप है T20 का, ये सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। और ऐसे में अगर एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया करती है तो इससे इंडिया को फायदा होने वाला है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं टीम वाले और उसी पर जो है वो चलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर थोड़े से चेंजेस लेकर टीम इंडिया आती है, बाकी टीमों को सरप्राइज करती है, तो फिर पूरा जो है ना जो ऑपोजिशन को रणनीति बनानी पड़ती है वो बिल्कुल अलग होगी। तो पर्सनल मेरा यही मानना है, और रिकी पोंटिंग जिस तरीके से बैक कर रहे हैं ना, चाहे वो ऋषभ पंत हो चाहे वो विराट कोहली, तो एक माइंडसेट दिखाता है कि ऑजीज कैसे खेलते हैं। बिल्कुल, और आपने यहाँ पे बात करी है ऋषभ पंत की कपिल, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के कोच रह चुके हैं रिकी पोंटिंग, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ऋषभ पंत की स्ट्रेटजीज कैसी होती हैं, उनका गेम को लेके क्या फोकस रहता है, किस तरीके से वो खेलते हैं, इसलिए ऋषभ पंत की इतनी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं जो भी ये चीज डिस्कस करने वाले हैं उन लोगों के पास अभी भी चांस है, और उन्हें ऐसा लगता है कि यशस्वी जायसवाल को तीसरे नंबर पर रखेंगे और विराट कोहली को दूसरे नंबर पर रखेंगे टीम मेंबर्स। और इस साल की अगर हम बात करें तो विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वैसे 130-137 के आसपास रहता है, लेकिन 155 का ऑन एन एवरेज स्ट्राइक रेट रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से टीम इंडिया फिलहाल दिखाई दे रही है, आप शुरुआती मैचेस जो है वो यूएसए में खेलेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा फास्ट पिचेस रहने वाली हैं, लेकिन बाकी अगर मैचेस देखें तो स्लो पिचेस रहेंगी। विराट कोहली का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है,
बाकी खिलाड़ी हालांकि सपोर्टिव रोल में नजर आएंगे, और उनका अगर हम T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो वहां पर भी और ODI वर्ल्ड कप में भी और IPL में भी हर जगह पर विराट कोहली बिल्कुल रन मशीन नजर आ रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं कि विराट कोहली भी कभी ना कभी फेल हो सकते हैं और होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम किसी को भी रन मशीन बोल सकते हैं, किसी का नाम रख सकते हैं, लेकिन असलियत में कोई भी मशीन नहीं होता, सब इंसान है, सबका एक माइंडसेट है, किस तरीके से खेलना है, आज चले तो चल गए, कल नहीं चले तो क्या होगा, सब लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन आप अगर विराट कोहली को देखें तो उनका करियर ग्राफ हमेशा ग्रो करता हुआ नजर आया, जिसका मतलब है कि वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उन्हें हर वक्त इम्प्रूवमेंट का साइन हमेशा रहता है। तो T20 वर्ल्ड कप में भी वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं विराट कोहली जैसी पर्सनैलिटी को, तो आप गलत साबित हो सकते हैं, हमारा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।